पंजाब से हैं हिमानी जी, स्वागत है आपका। हेलो हिमानी जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम सवाल कर लीजिए। हाँ जी, मेरे ना फादर इन लॉ को प्रॉब्लम है, पेट नहीं साफ होता उनके ठीक से और गैस भी बहुत ज्यादा बनती है। उम्र एटी कितनी? थ्री जी ठीक। हाँ देखिए, अपने इतने उम्र दराज ससुर की चिंता कर रही हैं आप, यकीनन एक अच्छी बहू हैं। और एक नुस्खा आप उनके लिए बना दें। अभी मैं पहले भी बता रहा था, ये नुस्खा दरअसल हर घर की ज़रूरत है। ये हमारे घरों में बना हुआ रहे तो एक तो याद रहे, फिर कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। 7-8 बीमारियां, 10 बीमारियों में बड़ा काम आता है। देखिए, आपके किचन में सौंफ है, सौंठ है। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये सबके किचन में मिलता ही है। फिर एक बार बोलता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर अच्छा सा पाउडर बना दें, सफ़ूफ बना दें। और एक आता है नमक विशेष, जिसे कहते हैं नमक जैतून। ये दुनिया के अच्छे नमकियात में से होता है, लेकिन ये नमकीन नहीं होता स्वाद में। ऐसे चखो तो नमकीन नहीं होता, ये पहचान है, कोई नकली ना दे दे, इसलिए बता रहा हूँ। देखने में बिल्कुल नमक जैसा लगता है। तो ये नमक एक एक चुटकी लें और 2 गिलास पानी में मिला दें, मिक्स कर दें, या 1 गिलास पानी में मिला दें। वैसे 2 गिलास में मिलाना बेहतर है। और ये जो पाउडर 6 चीज़ों का आपने बनाया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का, इसका 1 चम्मच खिलाएं और ये पानी पिला दें। और ऐसी इसी तरह अपने सुसर का ख्याल रखें। आपको इसका बहुत पुण्य मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ख्याल रखिए इनका, इनकी दुआ ले लीजिए, आपके जीवन भर काम आएगी। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार सर। आदाब, अहिंसा, जय हिंद, स्वागत हमारे कर्नल वर्मा साहब का। माजरा चाहते हैं तकलीफ देने के लिए, दुआ ले लीजिए। जजाकल्ला। मैं भी यही जानना चाहता था कि जो ये वजन के अलावा कुछ और काम में भी आता है, ये सिरका, जीरे का जो सिरका आप बताते हैं कि खाली वजन के लिए ही है, मैं भी यही जानना चाहता था। सही सवाल किया। जी अच्छा देखिए, जो सिरके का मिजाज है, और उसका मिजाज है कि वो डायबिटीज़ कम करे और कोलेस्ट्रॉल कम करे और वर्म दूर करे। हमारे पार्ट ऑफ बॉडी से अगर वर्म हो जाए तो उसे दूर करे, और खून की चर्बी दूर करे। और फालिस ज़्यादा लोग भी इसे ले सकते हैं, और हार्ट के मरीज इसे ले सकते हैं। वज़न जिनका हद से ज़्यादा बढ़ गया है, वो उनके लिए ये विशेष है। लेकिन ये काम सब करता है, पेट के लिए भी काम करता है, तो एसिडिटी के लिए भी काम करता है, और बहुत सारे रोग तकरीबन वैसे ही काम करता है। लेकिन ये विशेष जो है वज़न के लिए काम आता है, लेकिन और बीमारियों में भी तकरीबन एक सा काम करता है। और इसलिए इसको हल्के में ना लिया जाए। ये विशेष तौर पर क्योंकि वज़न कम करने के काम में आता है, इसलिए इसे जीरा का वो करते हैं। अच्छा, जीरा जो है वो हाजिम भी है, और जीरा के और भूख लगाने का काम भी करता है, लीवर को फ़ायदा पहुंचाने का भी काम करता है। तो इसमें ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसको रखा गया है वज़न कम करने के लिए। कोई भी एक दवा या मेरा एक मशवरा, एक बीमारी में कभी काम नहीं आता, मुतअद्दिद बहुत ज़्यादा बीमारियों में काम करता है, लेकिन जिस पर विशेष काम करता है उसका हम जिक्र करते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा था, लोगों तक इसकी जानकारी भी पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले कॉलर हैं महावीर जी, स्वागत है आपका।
हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, हकीम जी से बात कराओ जी। आदाब महावजी जी, आपको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हाँ जी, मेरे पेट में गैस बनती है जी। और हाँ जी, नमस्कार जी। सर गैस बनती है और पैरों में सूजन हो जाती है जी। ठीक, अच्छा देखिए, गैस बनती है और सूजन हो जाती है, एक अच्छा नुस्खा इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी, ये सात चीज़ें, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी और अलसी 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। और एक आता है नमक विशेष, जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये अलग से 100 ग्राम खरीद के रख लें। एक चुटकी नमक जैतून 1 या 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये जो 7 चीज़ों का पाउडर आपने बनाया है, ये 1 चम्मच खा के ये पानी पी लिया करें दिन में 1 बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार, आपकी सारी कठिनाई का अच्छा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं, स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नैन सिंह। हकीम साहब को भी आदाब। जय हिंद, स्वागत नैन सिंह जी। मैं 74 ईयर का हूँ। सर, ये मेरे सिर में जो है ना खुजली सी, धाकड़ जो है बहुत, कई महीने हो गए बल्कि फिर मैं खुजली लगती है और फिर दाने दाने से होते हैं मोटे मोटे, जैसे जितनी वो खाली ऊपर आ जाती है। ठीक है, कोई दवा खा रहे हैं क्या? दवा उसके लिए मैं अलसी और गोंद मोरिंगा करी बता दिया आपने, वो और अलसी और खाने वाला सोडा एक चुटकी भर। और दवा क्या हो जाए उसके लिए, क्या वो वैसी वो खुजली भी लगती है फिर ये हो जाता है? दूसरा सवाल है सर मेरा, ये मिसेज को मैं कई दिन से दवा खिला रहा हूँ जिसकी स्किन डिजीज जो होगी उसमें बहुत बॉडी दाल सके और अलसी और आंवला ये चीज मिला के, और वो कुछ कलर तो चेंज हो गया लेकिन उसमें कितने दिन तक और खिलाना पड़ेगा जब तक, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन वैसी है वो, क्या उसमें परहेज क्या करना चाहिए? परहेज तो नहीं हो रहा कहीं गड़बड़? अच्छा, परहेज करने की जरूरत नहीं है और स्किन का रंग चेंज हो रहा है ये आसानी अच्छी बात है। यूनानी थोड़ा देर में फ़ायदा करती है, संयम वाले रोग इसे पूरा कर पाते, और ये आप देते रहें, पानी से दें या कम चर्बी के दूध से दें, और आप भी लेते रहें जो नुस्खा ले रहे हैं। और आप अपने सर में, जो हमारी महिलाएं, देखिए पत्नी भी आपके ऐसा ज़रूर करती होंगी कि दूध की मलाई जमा कर करके घी निकाल लेते हैं, वो घी अपने सर में लगाया करें और 2-4 घंटे लगा रहे, और फिर आप गुसल कर लें, नहा लें, स्नान कर लें, तो 2-4 महीने लगातार इस्तेमाल लाजमी है यूनानी में। अगर पहले भी फ़ायदा हो जाए तो कोर्स पूरा करना चाहिए, जितना आपको डॉक्टर बताएं आपको फ़ायदा मुमकिन है। और 74+ में आपकी आवाज़ बड़ी करारी है और यकीनन आप मजबूत इंसान होंगे या रहे होंगे, मैं दुआ करूंगा कि भगवान आपको जल्दी अच्छा कर दे जी। लखनऊ से हैं अजय प्रताप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम साहब जी। जय हिंद, स्वागत है आपका। सर हमारे सर पेट में बहुत दर्द होता है। ठीक है, कब से होता है, क्या बताया डॉक्टर ने? बस डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल, लेकिन सर आराम नहीं हो रहा, दवा खा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा देखिए, एक आता है बेल का मुरब्बा,
पत्थर बेल का मुरब्बा या बेल पत्थर का मुरब्बा, इसे इंग्लिश में कोविट का मुरब्बा भी कहते हैं। ये एक पीस खाइए रोज़ाना सुबह खाली पेट, बस ये खा लिया करिए एक बार। एक नहीं खा सके तो आधा पीस खा लिया करिए और पानी पी लिया करिए। वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, और अगर फिर भी फ़ायदा कम लगे या जल्दी फ़ायदा चाहिए तो नमक जैतून आता है, एक नमक जैतून, एक ऐसा नमक जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये उसकी पहचान है। असली वाला लें, एक चुटकी दो गिलास पानी मिलाकर ये खाकर आप बेल का मुरब्बा और ये पानी पी लिया करिए, आपको फायदा होना मुमकिन है। राजस्थान से है विजय, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार सर। मेरे 25 साल से टीनिटस नामक की बीमारी है। और कानों, दोनों कानों में आवाजें आती है और शारीरिक संतुलन नहीं बन पाता है। उम्र कितनी है? एलोपैथिक में खूब इलाज करवाया उसका। एज बता दीजिए सर। एज 44 है। देखिए ऐसे बैठे मेरी तरह, ठीक है, और ये कान इससे मिलाइए, समझ लें जैसे मैं कह रहा हूँ। अगर आपने समझ लिया ऐसे, मोंढ़ा ऊपर नहीं करना, कान ही जाएगा मोंढ़े के पास। आपका कान मिले या नहीं मिले, मेरा तो मिल जाता है, लेकिन तो ऐसे करते रहें आप जितना भी कर सकते हैं। वैसे कम से कम 3 मिनट ज़रूर करें, और 3 मिनट ये एक्सरसाइज में बता रहा हूँ। देखिए ऐसे ठोड़ी को यहाँ से पकड़ें, ऐसे देखिए मैं कहाँ तक लाता हूँ, यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी, और यहीं देखना है। ये एक्सरसाइज भी 3 मिनट रोज़ाना करनी है, चाहे 1-1 मिनट करके 6 बार में करें, 10 बार में करें, लेकिन ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज तो आप छोड़िए ही नहीं, और कम से कम 15 दिन लगातार करें। 15 दिन में आपको फ़र्क नज़र आ जाना चाहिए। और एक गोंद आता है, गोंद सियाह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद सियाह भी कहते हैं। एक विशेष गोंद है जो अक्सर नकली भी मिल जाता है, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। गोंद सियाह यानी काला गोंद, काला सा होता है, ब्राउनिश कलर का, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिए हुए, कालापन लिए हुए, ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, कड़वा बहुत होता है, लेकिन नकली भी बहुत मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी। 0.5 ग्राम सुबह इसका पाउडर बना लें, ये कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल है, और वो 1 चम्मच शहद में मिला लें और नाश्ते के बाद खा लें, और 0.5 ग्राम शाम को, 0.5 ग्राम 2 बार खाएं। अगर आप ये इस्तेमाल कर दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। रामपुर से हैं पुष्पा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, आपका सवाल। जी से बात करनी थी अकीम साहब से। पुष्पा जी स्वागत करता है हम आपके अपने प्रोग्राम में। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार आपका, बात करने का मौका मिला आपसे। जी जी, मेरा ये है, पूछने का सवाल है आपसे जी। मैंने दवाई मंगाई है, गोंद सियाह, गोंद मुरंगा और जैतून का सिरका, तो उसको किस तरीके से ले हूं? और मतलब जो दवाइयां मैं खाती हूँ, बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, तो वो दवाइयां खाती रहूं या और मतलब या ठीक है। हाँ देखिए, दवाइयाँ नहीं छोड़नी अभी, और दवाएं कैसे खानी है, वो दवाएं भी खाते रहें और ये भी दवाएं खाएं, और जिस रोग में फ़ायदा होता रहे उसकी दवा कम करते जाएंगे डॉक्टर के मशवरे से। देखिए गोंद मोरिंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये 100 ग्राम गोंद मोरिंगा है, और 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम ये आपके पास गोंद मोरिंगा, इसको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, सुबह
थायराइड की गोली के साथ या बाद में या पहले कभी भी ले सकते हैं, एक चम्मच, और एक चम्मच रात को सोते समय ये आप लिया करें। ये आपके थायराइड से ताल्लुक़ रखता है, और धीरे धीरे 6-7 महीने लगेंगे, आप फिर चेक कराना तो आपको डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी, कि आपका थायराइड किस तेज़ी से कम होता होता अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना चाहिए। अब रहे बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें जो सिरका है आपको पास, 2 चम्मच 1 गिलास पानी मिलाइए, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला सकते हैं, और ये पी लीजिए खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। ये आपके इन रोगों के लिए बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद है। ये एक दिन इनको कंट्रोल करेगा, इसमें 3-4 महीने भी लग सकते हैं। गौन सियाह जिनको खाना है वो इसको पाउडर बना लें, और क्योंकि ये कड़वा होता है इसलिए, और चिपकता भी, गौंद होने के नाते ये ज़बान में चिपकता है और कड़वा बहुत होता है, तो इसे अगर शुगर है तो मलाई में, ज़रा सी मलाई में मिलाकर 0.5 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाना बेहतर है। और कम चर्बी के दूध से आप इसे ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं। इस तरह आप दवाइयाँ खाएँ, और फ़ायदा हो तो आपसे आप वादा करें कि हमें ज़रूर फ़ोन करके बताएंगे जी।